तो नमस्कार और प्रणाम गाइस, स्वागत है आपका टू द मैजिक लाइन्स के सीजन 5 के 7th एपिसोड में। एंड जैसे कि आप लोग को याद होगा, पिछले एपिसोड में हमने बहुत दो तगड़े तगड़े पार्कोर्स खेले थे, जिससे हम आ चुके इस लोकेशन पे। एंड आपको याद होगा कि हम पिछली बार इस जगह पे कूदे थे, माइंड ब्रॉल को सेक्रीफाइस करने के लिए छोड़ दिए थे। इस वजह से क्या हुआ था, उसने मुझे मारा, बट उसने मुझे कुछ तो यूज़ किया उसकी अभिनीति करके, वो यूज़ करके मुझे वापस लेके आ चुका है अभी यहाँ पे। एंड फिलहाल को वो जा चुका है, इसके आगे की जर्नी मुझे कंटिन्यू करनी होगी। तो पिछली बार अंत में हमने यहाँ पे लैंड करके सक्सेसफुली अपने आप को बचा लिया था मरने से। एंड यहाँ पे गाइस आपको मैं बता दूँ, इवल डेमन किंग मर चुका है गाइस। यस, बट आप सोच रहे हो कि फिर क्यों बना रहे तू वीडियो, तेरा मकसद ख़त्म हो गया। बट नहीं, जिन लोग को नहीं मालूम गाइस, इस वर्ल्ड में सीजन फोर में भी आ चुके थे, तो इस वर्ल्ड में दो इवल डेमन किंग है गाइस, दो इवल डेमन किंग, जिसमें से एक इस लावा के अंदर गिर के अब डायरेक्ट वो हेल में है। अभी वहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उस बंदे ने जैसा सिस्टम यहाँ पे लगाया है ना, कि जैसा भी बंदा हो सिवाय माइंड ब्रॉल के बाप के, बाकी सब इसमें मरने वाले हैं, डायरेक्ट हेल में जाने वाले हैं। मरेंगे भी नहीं, डायरेक्ट हेल में ट्रांसफॉर्म होंगे। बट जो माइंड ब्रॉल का बाप है, अल्टीमेट एंटिटी आप कह सकते हो, अल्टीमेट पावर, वो भाई कुछ नहीं है भाई, वो मतलब वो इवल डेमन किंग तो उसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए वो यहाँ से हेल नहीं जाएगा। बट वो अभी कहीं ना कहीं कैद है, माइंड ब्रॉल ने मुझे बोला था। एंड यहाँ से गिरने के बाद ना मैंने देखा कि यहाँ पे लाइक ऐसा एक टावर टाइप बना है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि शायद हमें उस तरफ को जाना है, तो आई थिंक सो हमें चलना चाहिए उस तरफ। मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है, यानी डिस्कॉर्ड की नोटिफिकेशन आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रही है गाइस, मुझे मालूम है, बट इसका भी क्या करें भाई। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग आगे आ चुके हैं। एंड ये क्या मसला है भाई, करना क्या है, कुछ लिखा भी नहीं है। एंड वैसे गाइस हमें इवल डेमन किंग को थोड़ा सा वीक करना है, वीक यानी कमज़ोर करना है उसको, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आगे जाके हमें मिलने वाली है इसकी पावर्स, जो कि हमें आई थिंक सो यहाँ नीचे से अंदर जाना होगा। चलो अंदर, कुछ नहीं होगा भाई, ये तो हमारे लिए चुन्नू मुन्नू है गाइस। आगे भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत अंधेरा है एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस। एक सेकंड भाई, अंधेरा बढ़ रहा है। वेट, यहाँ से हम आए, जाना कहाँ है भाई, व्हाट, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। वेट, आए हम यहाँ से ना, एक सेकेंड देख लेना पड़ेगा। वेट, साला रात हो रही है भैंस की आँख। वैसे एक सेकेंड, अभी यहाँ पे इवल डेमन किंग थोड़ी ना है, मैं ट्राई करता हूँ कोई दिन करने का। ब्रो लिटरली यहाँ पे कुछ दिन करने का अवेलेबल नहीं है ब्रो। एक सेकेंड, आगे को आई थिंक सा ना गाइस ब्लॉक्स लगे हैं, इस वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा। एक सेकेंड वेट, कहाँ को कुछ बढ़ रहा है क्या, राइट को जाएंगे देन आगे। ओके आगे जा पा रहा हूँ मैं, फिर बंद हो गया। ओके रुको, और आगे जाओ भाई, जितना आगे जा सकते जाओ। राइट हो रहा है, ओके राइट हुआ, और आगे इधर हो। ओके ओके ओके, और एक आगे। ओके और एक ऐसे, ओके और एक ऐसे। ओह वे, तो मैंने कैसे ना कैसे तो किया है, ये कहाँ आया हूँ मैं, व्हाट द हेल। यहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है, यहाँ से आगे नहीं जाना हमें, यानी कि हमें राइट साइड को ही जाना है, उतना मुझे पता चल चुका है। बट कहाँ जाना है, वेट, यहाँ पे कोबलस्टोन कैसे लग गया है भाई। एक सेकेंड, नीचे को आई थिंक सो नहीं जाना रहेगा, क्योंकि नीचे को तो, ओ वेट,
माइनशाफ्ट में गाइस चेस्ट रहती है, यहाँ पे उसकी पावर्स रह सकती है गाइस। एनविल लगी है ना, वेट, ओके, ओ प्रो एनविल लगी है, तोड़ो इसको। प्रो मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ, व्हाट, ओके वेट अ सेकंड। उब सोले की भाई, मैं एक तो ले रहा हूँ यहाँ से भाई साहब। ऐसी दो चेस्ट भाई, कुछ ज़्यादा ही पावर है इसकी। एक सेकेंड, यहाँ से ऊपर कुछ नहीं है, वेरी गुड। एक सेकेंड, मैं ना क्रिएटिव से निकालने वाला हूँ टीएनटी वगैरह। भाई साहब है छोटी सी जगह, बहुत भाई माल अलग ही लेवल टाइप का है। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे ना लगा सकता हूँ क्या मैं, वो लगा सकता हूँ मैं, वेट अभी साले की भाई 64 है और 100% है ब्रदर, और 100% को 64 से भाई 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 कुछ ज़्यादा ही पावर है ब्रदर। एक सेकेंड भाई, इसको ना एक सेकेंड, ओके ओके ओके, यहाँ पे ना भाई तोड़ने के लिए भी बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। एक सेकेंड, मैं पर्ल नहीं निकाला, वेट, ओके। तो गाइस यहाँ पे हम लोग भागने किस तरफ को वाले हैं ना, वो भी हमें देख के रहना पड़ेगा, क्योंकि गाइस हमें बहुत तगड़ा धमाका होने वाला है, एंड लैग के कारण मुझे मरना नहीं है। यहाँ पे देखो सही से, यहाँ पे चेस्ट वगैरह है, एंड चार, ये दो लगा है तो ये भी दो लगा देता हूँ। यस, ये हैंडविल मैं नहीं तोड़ पा रहा था, बट ये लगा ज़रूर पा रहा हूँ मैं, ओके। एम रेडी रखो गाइस, वेट, लेट्स गो। ओके भग 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 भग, निकल 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 निकल